नमस्कार, वक्त हो गया है 5W1H का, यानी हर खबर पूरी डिटेल के साथ। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए आज 25 साल बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता प्रमुख एक मंच पर आ गए। यूपी में पहली बार एसपी बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि गठबंधन देश को नया प्रधानमंत्री देगा। वहीं रैली में मायावती ने धर्म के नाम पर वोट ही मांग लिए। गठबंधन की पहली संयुक्त रैली, बीजेपी को हराने की हुंकार। यूपी के देवबंद में रैली में गठबंधन की जीत का दावा किया। आज 25 साल बाद एसपी बीएसपी और आरएलडी के नेता एक मंच पर आए। मायावती, अखिलेश यादव और चौधरी अजीत सिंह ने एक साथ रैली की। एसपी बीएसपी और आरएलडी पहली बार गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, एक एक चौकीदार की चौकी छीन लेंगे। आज 25 साल बाद यूपी के देवबंद में एसपी बीएसपी और आरएलडी के नेताओं ने एक मंच से बीजेपी को हराने का दम भरा। मायावती, अखिलेश और चौधरी अजीत सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमले किए। मायावती ने दावा किया कि अगर ईवीएम दुरुस्त रही तो गठबंधन की जीत पक्की है। वहीं महामिलावट के मुद्दे पर अखिलेश ने पीएम मोदी को जवाब दिया। अखिलेश ने कहा, ये महामिलावट नहीं, महापरिवर्तन का गठबंधन है। रैली में चौधरी अजीत सिंह बोले, भगवान उन्हें भी दिन में 3 सूट बदलने वाले पीएम मोदी जैसा फकीर बना दे। आपको ये जरूर मानकर चलना चाहिए कि इस बार चुनाव में या खासकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है, बशर्ते यदि इन्होंने इस चुनाव में या फिर से वोटिंग मशीनों में कोई बेईमानी व गड़बड़ी आदि नहीं की। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, देश को बदलने का चुनाव है, ये भाईचारा कैसे बढ़े उसका चुनाव है। हमारे आपके बीच में जो दूरियां पैदा कर दी, उन दूरियों को मिटाने का चुनाव है, और वो नफरत की जो दीवार थी उसको गिराने का चुनाव है। दुनिया भर में घूमते हैं, टीवी में रोज 3-3 बार भाषण देते हैं, रेडियो पे अपने मन की बात सुनाते हैं, और क्या कहते हैं, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। हे भगवान, हम सबको ऐसा फकीर बना दे, मुफ्त की खाएंगे, नए नए सूट पहनेंगे, सारी दुनिया घूमेंगे, जब जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे बाय बाय, मैं तो फकीर हूँ। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर पीएम मोदी के हमले भी तेज हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री ने पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और फिर त्रिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को पंजाब से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर प्रहार, कहा, दीदी को मलाई नहीं खाने दूंगा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और त्रिपुरा के उदयपुर में रैलियां की। आज पीएम मोदी ने कहा, दीदी ने माँ माटी और मानुष से विश्वासघात किया। पीएम ने ममता बनर्जी पर टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, दीदी ने नागरिक संशोधन बिल पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी ने माँ माटी और मानुष को लेकर ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। पीएम ने एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। मोदी ने दावा किया कि बीजेपी की लहर दीदी का तिलिस्म तोड़ देगी। पीएम ने चिट फंड घोटाले के मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और गरीबों को लूटने का आरोप लगाया। माँ माटी मानुष का वादा एक तरफ है और तृणमूल की सच्चाई दूसरी तरफ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दीदी माँ को भुलाकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। साथियों, मजबूत होते भारत से कुछ लोगों को कष्ट हो रहा। जब भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन रहा है तो दीदी को ये भी परेशान करता है।
जब भारत आतंक पर सख्ती दिखाता है तब दीदी को इससे भी मुसीबत होती है। अब दीदी इतनी परेशान है कि दिन रात एक ही बात कर रही है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मैंने देख लिया आपने बहुत अच्छा काम किया, प्लीज इसको नीचे रखो, पीछे परेशानी हो रही है लोगों को। आपका इतना प्यार है कि मेरी जिम्मेवारी बढ़ती चली जा रही है। भैया आप नीचे आइए, कहीं गिर जाओगे तो दीदी मेरे नाम पर FIR लिखवा देगी। वहीं IPS अफसरों के तबादले को लेकर तिलमिलाई ममता बनर्जी को चुनाव आयोग से करारा जवाब मिला है। वहीं PM मोदी ने भी कहा कि चुनाव से हार के डर से दीदी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं। अफसरों के तबादले पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा निष्पक्ष चुनाव के लिए ट्रांसफर के फैसले लिए जाते हैं। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 4 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए। PM मोदी ने कहा दीदी चुनाव से डर गई हैं, बच्चों जैसी हरकत से चुनाव नहीं जीते जाते। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर BJP के इशारे पर ट्रांसफर के फैसले लेने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने कहा आयोग को विश्वसनीयता साबित करने की जरूरत नहीं है। IPS अफसरों के तबादले को लेकर ममता बनर्जी के आरोपों का चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से कहा है कि ट्रांसफर के फैसले निष्पक्ष चुनाव के लिए किए जाते हैं। आयोग ने कहा है कि उन्हें विश्वसनीयता साबित करने की जरूरत नहीं है। वहीं PM मोदी ने कहा कि चुनाव को लेकर दीदी डर गई हैं। PM मोदी ने ममता को नसीहत दी कि बच्चों जैसी हरकत से चुनाव नहीं जीते जाते। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है, अगर किसी को समझना हो तो दीदी की बौखलाहट, दीदी का गुस्सा इतने से ही समझ सकता है। आई अपील द इलेक्शन कमीशन विद माई हम्बल रिगार्ड्स, प्लीज डू द जॉब impartially. वी वॉन्ट टू सी दैट Democracy must continue with your impartial intervention. लोकसभा चुनाव को लेकर कल बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी कर देगी। PM मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी होगा। बीजेपी ने आज उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। कल बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कल सुबह 11 बजे पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह ने नवीन पटनायक पर आरोप लगाया, कहा BJD ने ओडिशा को धोखा दिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास का मुद्दा अहम रह सकता है। बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए 20 सदस्यों की कमेटी गठित की है। भारतीय जनता पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास का मुद्दा अहम रह सकता है। पार्टी जिन वायदों के दम पर अगले 5 सालों के लिए जनता से बहुमत मांगेगी उसकी तस्वीर इस मैनिफेस्टो में सामने आएगी। वहीं ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि नवीन पटनायक की सरकार ओडिशा के विकास में बाधा बनी। बदलाव की आशा से उड़ीसा की जनता ने बीजू जनता दल को सत्ता में लाया, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे। शुरू शुरू में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, मगर 19 साल तक नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहां पर सरकार चलाई है मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं है कि कांग्रेस से भी निकृष्ट शासन बीजू जनता दल ने। तो कल का घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बीजेपी का। मध्य प्रदेश में काली कमाई से धन कुबेर बनने वालों पर आज बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूर्व निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ के घर से इनकम टैक्स विभाग ने 9 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। CM कमलनाथ के पूर्व OSD प्रवीण कक्कड़ के घर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, अब तक 9 करोड़ रुपए कैश बरामद।
इंदौर के अलावा दिल्ली, भोपाल, गोवा में भी डाली रेड। पैरामिलिट्री जवानों के साथ इनकम टैक्स ने की छापेमारी। देर रात 3 बजे ओएसडी के घर छापा पड़ा, दिल्ली से गई है टीम। कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, अमीरा ग्रुप और मोजर बेयर कंपनी के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। टैक्स चोरी की शिकायत के बाद इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की। कांग्रेस ने इनकम टैक्स के छापे को बदले की कार्रवाई करार दिया। एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के घर इनकम टैक्स की रेड हुई है। छापेमारी में अब तक करीब 9 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिला है। इंदौर के अलावा 3 राज्यों में करीब 50 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की है। वहीं कांग्रेस ने छापेमारी को बदले की कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस के नेता है, इनका घर जो है वो एटीएम मशीन बन गया है, कैश एटीएम मशीन, जहाँ से वैसे डालो और धड़ाधड़ कैश निकालो। तो ये कांग्रेस के नेताओं के घरों पे जो ये कैश का एटीएम मशीन चल रही है, तो अगर वो पकड़ी जाएंगे तो कहेंगे जी ये तो बड़ा पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। अरे आप करोड़ों रुपए आपके यहाँ से कैश निकल रहे हैं, इसमें कौन सा पॉलिटिकल वेंडेटा है? वो शुद्ध रूप से बदले की कार्रवाई मोदी सरकार ने की है, और मोदी सरकार लोकसभा के चुनाव के दरमियान लोगों को परेशान करने पर तुली हुई है, जिससे लोकसभा में उनको सीटें बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हमारी सरकार जब राहुल जी के नेतृत्व में बनेगी तो अमित शाह जैसे लोगों के यहाँ पर भी हम छापे डलवाएंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी और प्रवीण कक्कड़ और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के यहाँ और ये कार्रवाई है। भोपाल स्थित अंसल प्लाजा में घर है प्रवीण कक्कड़ का, जो सीएम कमलनाथ के निजी सचिव हैं। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो देश भर में तकरीबन 300 से ज़्यादा ठिकानों पर ये छापे की कार्रवाई चल रही है। गोवा, बेंगलोर, दिल्ली और इंदौर, भोपाल समेत दूसरे अन्य इलाकों में करोड़ों रुपए के कैश की जो अभी तक बरामदगी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में जवानों की सुरक्षा के लिए हाईवे बंद करने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पीडीपी ने प्रशासन के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे को 2 दिन बंद करने के फैसले के खिलाफ कल कोर्ट जाएगी पीडीपी। हाईवे बंद करने के विरोध में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी श्रीनगर के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। जवानों की सुरक्षा के लिए रविवार और बुधवार को आम नागरिकों के लिए हाईवे बंद रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि श्रीनगर जम्मू हाईवे कश्मीर की लाइफलाइन है, सरकार का फैसला स्वीकार नहीं है। सुरक्षा वजहों से बंद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सियासत जारी है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसले का विरोध किया। महबूबा मुफ्ती ने कल कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए, श्रीनगर जम्मू हाईवे कश्मीर की लाइफलाइन है। बहुत गलत है, यहाँ कोई काबिज फोर्स तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचते हैं कि यहाँ वो इस किस्म की हरकतें करके यहाँ के लोगों को जो है सप्रेस करेंगे, वो बहुत गलत है। ये बहुत गलत है, हम इस बैन की जो आज उसको डिफाई कर रहे हैं। कानून ने निकाला है कि रास्ता बंद होना चाहिए। आज मुझे प्रेसिडेंट भी आया था अभी ट्रेडर्स फेडरेशन का, वो कहते हैं साहब हमारी लाइफलाइन जो है यही रोड है और इसको बंद करने से हमारे ऊपर जबरदस्त नुकसान हो रहा है और ये ऑर्डर इनको वापस लेना चाहिए, इसीलिए हम निकले हैं। ये बात समझ से परे तब हो जाती है कि जब जवानों की सुरक्षा की बात हो रही हो और उस पर भी नेता उसका विरोध करे। ये वही जाने, एक छोटा सा ब्रेक लेने फॉर्म लॉन्च।